रेवाड़ी में नगर परिषद ने बिजली निगम का करीब 8 करोड़ रुपए का बिजली बिल अदा नहीं किया। इसके चलते बुधवार की देर शाम निगम ने बिजली कनेक्शन ही काट दिया। सुबह कर्मचारी काम पर लौटे तो चारों तरफ अंधेरा मिला। इसके बाद जनरेटर का तेल मंगवाकर बिजली सप्लाई चालू की गई। नगर परिषद के द्वारा ये पहली बार नहीं हुआ है कि बिजली निगम का बिल अदा नहीं किया गया। इससे पहले भी कई बार करोड़ों रुपए बकाया रहने पर नगर परिषद को बिजली निगम की तरफ से नोटिस मिलते रहे हैं। अब भी लंबे समय से बिजली का बिल अदा नहीं किया जा रहा था। बता दें कि हाउस की मीटिंग में कई बार नगर परिषद में जनरेटर खरीदने का प्रस्ताव रखा जा चुका है, लेकिन अभी तक जनरेटर का प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जिसके बाद शमशान घाट के लिए खरीदे गए जनरेटर को ही नगर परिषद ने अपने कार्यालय में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बिजली का कनेक्शन कटने के बाद अब इसी जनरेटर में तेल डालकर काम चलाया जा रहा है। ऐसे में गुरुवार की सुबह कर्मचारी नगर परिषद में काम पर आए तो बिजली गुल मिली। जिन कमरों में इन्वर्टर रखा था वहां पर बिजली चालू रही। इसके अलावा अधिकांश कमरों में अंधेरा छाया रहा। काफी समय बाद कर्मचारियों को पता चला कि बिजली निगम ने उनका कनेक्शन ही काट दिया है। लाइट नहीं आ रही यहाँ पर, कारण? कनेक्शन काट दिया सर। कब कटा है? कल कटा है सर। बिल की वजह से? बिल नहीं भरा। हाँ सर। तो काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी? काम ज्यादा इन्वर्टर वहाँ हो रहा है, और जहाँ इन्वर्टर नहीं वहाँ के लिए जनरेटर के लिए तेल लाने गए। तेल लाने के बाद काम शुरू हो जाएगा सर। वो डाल रहा तेल। रेवाड़ी से राजेश शर्मा, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।